और एक दिन एक ज्योतिषी ने ऐसी भविष्यवाणी की जिसने उन्हें पूरी तरह से हिला दिया। जब उस ज्योतिष के मुंह से मैंने सुना कि आप कुछ दिन बाद मर जाओगे, उस समय मैं पूरा गिर चुका था, टूट चुका था। मैं सोच रहा था अगर सबने मुझे इनकार कर दिया, या डॉक्टरों ने इनकार कर दिया, मुझे पंडितों ने, तांत्रिकों ने, सभी ने इनकार कर दिया, मैं टूट, उस समय मैं सोच रहा था क्या कोई परमेश्वर है या नहीं। प्रवीण एक खुशहाल परिवार से थे और वो दक्षिणी दिल्ली में रहते थे, लेकिन 2001 में प्रवीण के पिता के गुजर जाने की वजह से उनका परिवार बहुत बड़े संकट में पड़ गया। सबसे बड़े बेटे होने के नाते परिवार की देखरेख करने का बोझ उनके कंधों पर आ गया। वो पढ़ाई करते और काम भी ताकि उनकी आर्थिक परिस्थिति ठीक हो जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसी मेरी स्थिति आ गई कि मैं काफी बीमार पड़ गया। आर्थिक हालातों से जूझ रहे प्रवीण को एक अजीब सी बीमारी ने घेर लिया। 2007 में मेरे जीवन में बीमारी शुरू हो गई थी और स्टार्टिंग मेरे पैरों से शुरू हुई थी। मैं चलता था और चलते चलते गिर जाता था। ऐसा लगता था मेरी हड्डी टूट गई है। उन्होंने कई टेस्ट कराए और कई डॉक्टरों के पास भी गए, लेकिन इसके बावजूद उनकी बीमारी का कोई हल नहीं निकला और सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। दिन प्रतिदिन प्रवीण की हालत बिगड़ती जा रही थी, जिसका असर उनके जीवन के दूसरे पहलुओं पर भी नजर आने लगा। जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ भी मुझे तकलीफ होती थी इस बीमारी के आने चक्कर में। मुझे भूलने की काफी आदत हो गई थी और जिसके कारण मेरे जीवन में काफी गिरावट महसूस मुझे होती थी। मेरा रिस्पॉन्स जो मैं उन्हें देता था वो काफी लेवल नीचे होता गया। अपने आप में मैं निराशा महसूस करने लगा, अपने आप से मुझे चिड़न सी होने लगी। कोई हल ना निकलने के कारण प्रवीण ने मंदिरों और मौलवियों का रास्ता अपनाया, पर कुछ हल नहीं निकला। प्रवीण पूरी तरह से टूट चुके थे और उन्हें कुछ भी उपाय नहीं सूझ रहा था। अब सारे दरवाजे बंद होते नजर आ रहे थे। क्या कोई भगवान है या नहीं? मैंने इतने पूजा पाठ किया, इतना तंत्र मंत्र वालों को दिया, क्या सब कुछ बेकार है? उस समय मैंने आकाश की ओर अपना मुंह उठाया और देखा और बोला, हे ईश्वर, अगर तू जिंदा है तो मेरे पास आ। और एक दिन उनके ऑफिस में उनकी मुलाकात अपने एक नए सहयोगी से हुई और उन्होंने उसको अपनी कहानी सुनाई। उनकी बात सुनकर उनके उस सहयोगी ने प्रवीण को सभी तांत्रिकों के देवता से मिलाने का आश्वासन देते हुए उनको अपने घर पर आने का आमंत्रण दिया। मैंने उसे पूछा, वो कितने पैसे लेता है? उसने बोला, तो उसे क्या दे सकता है? मैंने बोला, जो मेरे पास है वो मैं उसे सब कुछ जो मेरे पास मैं दे सकता हूँ उसे मैं दूंगा। उसने बोला, भाई तेरा उसे कुछ भी नहीं चाहिए, तू उसे अपना दिल दे सकता है? मैंने कहा, हाँ मैं उसे दे सकता हूँ। बोला, बस ये चाहिए और तेरे होठों से उसकी स्तुति चाहिए। बस इतनी बात सुनते ही मेरे जीवन में एक नई जिंदगी मुझे महसूस हुई। मैंने सोचा, सच में जो तांत्रिक जिसके बारे में ये बता रहा है, सच में कोई मुझे इसकी बातों में दम लग रहा है। भाई ने मिलकर जब मेरे लिए प्रार्थना की कि यीशु के नाम में सारे अंधकार की शक्ति दूर हो जाए, उसी समय मैं गिर गया और कांपने लगा। उस भाई ने मुझे बताया, देख प्रभु यीशु मसीह तुझे बचाना चाहते हैं, तुझे कोई भी बीमारी नहीं है, ये अंधकार की शक्तियों ने तुझे जकड़ रखा है और वो परमेश्वर, तू उस पर विश्वास कर। इतनी आज़ादी महसूस की जैसे किसी को बांध रखा हो और इतना अच्छा मुझे महसूस हुआ कि सच में कि मैं ठीक हो गया हूँ। पहली बार वो खुशी महसूस हुई जो मेरे जीवन में कभी खुशी महसूस नहीं हुई थी। आज प्रवीण बिल्कुल ठीक हैं और एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता अपनाकर उनके दिखाए मार्ग पर चलने में प्रयत्नशील हैं। प्रभु का बपतिस्मा लेने के बाद मेरे जीवन में काफी परिवर्तन आया। परमेश्वर ने एक दया दूसरों के लिए, दूसरों के प्रति मेरे जीवन में उसने दिया कि जैसा परमेश्वर ने मुझसे दया की, मैं दूसरों के साथ भी वैसी दया में पेश आऊँ।